नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको स्वर्ण के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बजट में नेक बैंड लेके हूँ जो कि मैंने पहन के रखा है, जिसको मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ, कैसा है, मेरे को लगा कैसा, ऐसा कंफर्टेबल है नहीं कंफर्टेबल, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या, खराब इसके सब आपको बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अनबॉक्सिंग बहुत सारे लोग करते हैं कि दिखा देंगे ऐसा है प्रोडक्ट ऐसा है, पर उसका रिव्यू कैसा है, उसको यूज़ करना तो कैसा रहेगा वो हम बताते हैं आपको। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे नए नए रिव्यूज देखने के लिए। जो नेक बैंड आता है वो ओप्पो की तरफ से आता है, ओप्पो एनको M32 नेक बैंड, जो कि बजट में आ जाएगा। ये जब मैंने परचेस किया जब 1800 रुपये का मेरे को पड़ा था। अगर आपको सेल वेल चल रही हो तो आपको 1500 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा, पर इसके जो फीचर्स है वो 2000 रुपये के अंदर किसी और में नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ इसके अंदर दिए गए हैं वो फीचर्स। और आपको इसके फीचर्स चाहिए तो 2000 रुपये ऊपर जाना पड़ेगा, पर ये जो है 1800-1500 रुपये में देखने को मिल जाएगा आपको। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। दोस्तों अभी अपने इसको निकाल लेते हैं। ये है एकदम ब्लैक कलर में नेक बैंड, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। आपकी जो नेक है वो भी अंदर ज्यादा दुखेगी नहीं, सो अगर लगाओगे ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ पहन के रखा, इतना हल्का इतना लाइट वेट है ये। और ये जो पन्नी मैंने अभी इसको लगाया, ढूंढ डांट के जो इसका डब्बा था तो नहीं कहाँ चला गया, तो मैं उसको ढूंढा फिर इसकी पन्नी लगाई। इसके अंदर दो बटन दिए गए आपको, वॉल्यूम अप करने के लिए डाउन करने के लिए, और कॉलिंग उठाने के लिए और कॉल काटने के लिए इसके अंदर बटन दिया गया आप। और आप देख सकते हो उसको मैंने पहन के रखा तो कितना बढ़िया और कितना कूल लग रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, और मैं भी कितना हैंडसम लग रहा हूँ। इसीलिए एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। इसके अंदर आपको 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर का भी सपोर्ट जाएगा, जिससे आपकी जो ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अगर इसके अंदर कोई मूवी प्ले या कोई वेब सीरीज देख रहे हो जिसके अंदर साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के डाली गई है और बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप नेक बैंड लगा के उसको सुनोगे ना तो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज किया है। तो मैं बता सकता हूँ आपको इसको जो नेक्स्ट लेवल आपको फीलिंग आएगी जब आप इसको यूज करोगे कोई वेब सीरीज में या कोई मूवी। अगर मैं टोटली बात करूँ तो ओप्पो ने इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, अगर बेस बस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया, जिसको बेस बहुत ज्यादा पसंद है उसके लिए बेस्ट नेक बैंड रहेगा। अगर आपको परचेस करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर परचेस कर सकते हो। एक और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो ये बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़िया देगा। इसको मैंने गिरा के भी देखा है, पहले टेबल से चालू गाड़ी में इसको भी गिराया, पर इसको भाई साहब कुछ भी नहीं हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी पे भी ओप्पो ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है, ऑडियो क्वालिटी में ध्यान दिया गया है। इसकी डिजाइन है वो भी बहुत स्वीट है, एकदम सिंपल ब्लैक रखी है, जो कि इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसमें जो बड्स दिए गए बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आपके कानों में चुभेंगे नहीं, आप जितनी देर भी सुनोगे वो कान की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना आपको कान में चुभेंगे। ऐसा होता है ना बहुत ज्यादा देर अपना कुछ देखते, कोई ईयरबड्स लगा के या हेडफोन लगा के, एयरफोन लगा गए तो कानों में दर्द होने लगता, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। 5-6 घंटे आराम से इसमें आप कोई मूवी या वेब सीरीज देख सकते हैं। अगर आपने इसके एक और फीचर की बात करें तो इसके अंदर डबल स्विच का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि आप इसको एक साथ में दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब फोन से कनेक्ट है, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करना तो वो हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम अप वाला बटन और वॉल्यूम डाउन वाला बटन एक साथ में क्लिक करोगे ना, कुछ सेकंडों में आपका जो नेक बैंड है वो कनेक्ट हो जाएगा लैपटॉप या कंप्यूटर से। इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये फीचर किसी और भी देखने को नहीं मिलता, ये गारंटी के साथ मैं लिख के देता हूँ आपको। अंदर आपको IP55 सपोर्ट, मतलब वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि अभी बारिश का माहौल है तो मैंने इसको यूज किया बारिश में भी, पर कोई दिक्कत नहीं, वॉइस एकदम क्लियर, ये कोई ना भीगा ना कुछ खराब हुआ ना कुछ तकलीफ, एकदम परफेक्ट का परफेक्ट ये नेक बैंड है। इसका एक मेन टॉपिक है इसकी बैटरी कितनी देर तक चलती है, बहुत लोगों का सवाल होगा बैटरी का बताओ कितनी चलती है। इसमें आपको 28 आवर्स की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है इसके अंदर आपको। अगर इसको 10 मिनट आप चार्ज करो तो 20 घंटे तक चलेगा और 35 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर आपको सी टाइप का चार्जर देखने को मिल जाता है। हल्का तो है, इजी टू कैरी, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही हल्का, ऐसा लगेगा नहीं कि गले में कुछ पहन के रखा है। इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिला, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ा है, एकदम जल्दी सपोर्ट करेगा आपके मोबाइल को कनेक्ट होने में। और अपने इसकी एक और फीचर की बात करें तो ये है, अगर बैटरी आपको बचानी है इसमें तो क्या करने का, जैसे आप इसको यूज कर रहे हो कानों में लगा के, कोई फोन आए या म्यूजिक सुन रहे, अगर आपको इसको यूज नहीं करना तो आप इसको यहाँ से निकालोगे कान में से और यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे तो हो गया कनेक्ट, इसके यहाँ पे देख सकते हो ये कनेक्ट हो गया है। तो इससे क्या हुआ, कनेक्ट हो जाएगा ना आपका, तो इसका जो वो ब्लूटूथ है वो क्लोज हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो आपका फोन डिसकनेक्ट हो जाएगा। और फिर कोई कॉल आएगा तो आप इसको वापस डाल लो, जैसे आप इसको अलग करोगे ये वापस कनेक्ट हो जाएगा आपके फोन से। मतलब बैटरी बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैंने आपको बताई। इसका जो मैग्नेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब ऐसे जल्दी से छूटने वाला भी नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो छूट गया ना, मतलब बहुत टाइम लगा पर छूटा जरूर, और मतलब बहुत सारा स्ट्रॉन्ग है ये फीचर, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अगर आपको ये फीचर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कैसी लगी पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी बेहतरीन रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।